हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। बट क्वेश्चन 5 करने से पहले मैं आज आपको आज का होमवर्क बता दूं। सो आज के होमवर्क में आप एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में करोगे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने है, कार्ल पियर्सन्स मेथड से कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। सो एक तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है। दूसरा एक्सरसाइज 5 सेक्शन एफ, एक्सरसाइज 5 सेक्शन एफ में आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 करने हैं। सो ये 3 सम्स आपके होमवर्क में। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है। The following frequency distribution gives the amount of annual depreciation in lakhs of 38 companies using this information find skewness and its coefficient by Carl Pearson's method state the type of skewness Carl Pearson's method se hame skewness calculate karna hai और स्क्यूनेस का टाइप बताना है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है या नेगेटिव स्क्यूनेस है। नाउ यहां पर देखिए, ना ही आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना ही आपको कंटिन्यूस दी हुई है। यहां पर जो दी हुई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दोनों का कंबाइंड टाइप दिया हुआ है। कंबाइंड टाइप मीन्स पहले आपको डिस्क्रीट है देन कॉन्टिन्यूस है। अब ऐसी कंडीशन में मोड तो डिफाइन होगा ही नहीं, क्योंकि मोड क्या होता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो एक्स की वैल्यू हो, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 12 और एक्स की वैल्यू है 21 to 24, तो एक्स की वैल्यू तो कैलकुलेट होगी नहीं। सो यहाँ मोड कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ हमें मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम मीन कैलकुलेट करेंगे। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ एक्स, एक्स मीन्स मिड वैल्यू चाहिए हमें। सो यहां पर तो क्लास है नहीं, मिड वैल्यू होगा ही नहीं, 7, 9, 10 ये तीनों सेम लिखेंगे। नाउ यहां है 11 एंड 20, सो 11 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, सो आंसर आ जाएगा 15.5, ये इसका मिड वैल्यू हो जाएगा। देन 21 प्लस 24 डिवाइड बाई 2, 22.5 एंड 25 प्लस 36 डिवाइड बाई 2, तो आंसर होगा 30.5। मिड वैल्यू का कभी भी टोटल नहीं होता है। नाउ हमें मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स चाहिए, सो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7 इंटू 2 14, 9 इंटू 3 27, 10 इंटू 4 40, 15.5 इंटू 7 108.5, 22.5 इंटू 12 270 एंड 30.5 इंटू 10 305। नाउ हम टोटल करेंगे, 14 प्लस 27 प्लस 40 प्लस 108.5 प्लस 270 प्लस 305, 764.5 ये हो गया एफ एक्स। सो मीन कैलकुलेट हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, 764.5 डिवाइड बाय 38। आंसर आ गया 20.1184, तो 20.12 कर देंगे हम इसे। ये हो गया मीन। नाउ मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले m क्लास कैलकुलेट करना होगा।
मोड कैलकुलेट नहीं होगा वो मैंने आपको बता दिया। सो मीडियन के लिए पहले हम एम क्लास कैलकुलेट करेंगे। और एम क्लास कैसे कैलकुलेट होता है, मीडियन में लिखते हैं हम एन बाय टू वैल्यू ऑफ एन बाय टू ऑब्जर्वेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी। एन की वैल्यू है 38, 38 डिवाइड बाय टू ऑब्जर्वेशन, सो ये हो जाएगा 19th ऑब्जर्वेशन। अब 19 हम देखेंगे कि 19 हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 9 प्लस 7 16 16 प्लस 12 28 एंड 28 एंड प्लस 10 38। नाउ एम क्लास 19th ऑब्जर्वेशन में हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इतना आप लिखोगे, रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को रेफर करो और बताओ 19 कहाँ पर आएंगे। सो 2 में नहीं, 5 नहीं, 9 नहीं, 16 नहीं, 28, यहाँ पर 19 आ जाएगा। तो इसके सामने जो क्लास है, सो देयरफोर एम क्लास इज 21 to 24। एम क्लास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21 to 24। सो यहाँ पर हमने एम क्लास कैलकुलेट किया। नाउ एम कैलकुलेट करना है, सो देयरफोर एम इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ इंटू सी। सो एल, एल मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, 21 to 24 क्लास है, लेकिन वंस अगेन इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट सेम होना चाहिए, और अगर नहीं है तो करेंगे कैसे, 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20.5 एंड 24.5, 0.5 माइनस 0.5 प्लस, तो लोअर लिमिट हो जाएगा 20.5। सो लोअर लिमिट 20.5 प्लस एन बाय टू ऑलरेडी हमने कर दिया है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ एन बाय टू की 19 माइनस सी एफ। सी एफ मीन्स जो क्लास है उस क्लास का अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्लास है 21 24, अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, जो क्लास है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है 12 इंटू सी, सी मीन्स क्लास इंटरवल 24.5 माइनस 20.5, तो डिफरेंस 4 आ जाएगा। ये ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं, 24 माइनस 21 करेंगे, ऐसा नहीं होगा, 24.5 माइनस 20.5 करेंगे यहाँ पर। सो 20.5 प्लस 19 माइनस 16, तो आंसर हो जाएगा 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 12। सो 20.5 प्लस 3 इंटू 4 12 बाय 12 1। सो देयरफोर मीडियन इज इक्वल्स टू 21.5। सो ये हमने मीडियन कैलकुलेट कर लिया। नाउ हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आइए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखूं पहले मैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर एंड रूट, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके लिए हमें एफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स इंटू एक्स, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
So 7 into 14, 98. 9 into 27, 243. 10 into 40, 400. 15.5 into 108.5. So 1681.75. 22.5 into 70. 1575. And 30.5 into 305. 9302.5. टोटल करेंगे अब हम इसका 98 + 243 + 400 + 1681.75 + यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है 270 into 22.5 6075 है ये 6075. सो 98 + 243 + 400 + 1681.75 + 6075 + 9302.5. सो टोटल हो गया 17,800.25. ये मुझे कैसे लगा, देखो 2700 का 10 गुना भी करें ना तो 2700 होता है, तो यहाँ तो 22.5 है तो यहाँ पर 1500 था, तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ कुछ मिस्टेक है. सो एफएक्स का टोटल हुआ, एफएक्स स्क्वायर का टोटल 17,800.25. डिवाइड बाय एन 38 माइनस सिग्मा एफ एक्स 764.5 डिवाइड बाय 38 स्क्वायर एंड रूट. सो नाउ 17,800.25 डिवाइड बाय 38 करेंगे तो आंसर आ रहा है 468.43 माइनस 764.5 डिवाइड बाय 38 इक्वल्स टू, ये आंसर आया, इसी का स्क्वायर कर देना है तो आंसर है 404.75. रूट 468.43 माइनस 404.75 तो ये हो जाएगा 63.68 और जब हम इसका रूट करेंगे तो आंसर आ रहा है 7.98. देखिए आंसर है 7.97 and 99. सो थर्ड एंड फोर्थ डिजिट 50 से ज़्यादा है तो 7.98 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन हर एक चीज़ वही होगी जो आप चैप्टर नंबर 3 में सीख कर आए हो. अब यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, एक स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है एंड इट्स कॉफिशंट. नाउ कार्ल पियर्सन मेथड में अगर हमें स्क्यूनेस कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला होती है एस के 3 into mean माइनस मीडियन और मोड हो तो मीन माइनस मोड. तो यहाँ पर तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगी स्क्यूनेस के लिए. So skewness is equals to 3 into mean minus median. ये skewness का formula. So 3 into mean. Mean की value है 20.12 minus median. Median की value है 21.5. सो माइनस करेंगे 3 into 20.12 minus 21.5.
सो माइनस में आंसर आ रहा है 1.38 एंड नाउ मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 3 सो फाइनल आंसर हुआ -4.14। ये है स्क्यूनेस, स्क्यूनेस को एस के से शो करेंगे। एंड दूसरा हमें कैलकुलेट करना है कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस। कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो 3 मीन है 20.12 माइनस मीडियन है 21.5 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 7.98। नाउ 20.12 माइनस 21.5 इंटू 3 हम करके बैठे हैं अभी 4.14 माइनस डिवाइड बाय 7.98। सो डिवाइड करेंगे हम तो आंसर हो जाएगा -0.52। ये है कॉफिशंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर हमारा। 0.5187 आया है तो 0.52 करेंगे। सो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिए पूरा सम एंड सबसे पहले नोट डाउन करेंगे आप होमवर्क। फिर से बता दूं आज का होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5 सेक्शन एफ में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7, एंड ये है आपका पेज नंबर 1 जो आपको नोट डाउन करना है। हर एक पेज पर मैं 5 सेकंड्स रुकूंगा, जैसे आप नोट डाउन कर पाएं या स्क्रीनशॉट ले पाएं। ये 6075 है, ये है मीडियन, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, और यह है स्क्यूनेस एंड कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस। नाउ अगर हमें टाइप पूछा हो या इंटरप्रिटेशन करने के लिए बोला गया हो तो हम कहेंगे कि आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है, देयरफॉर नेगेटिव स्क्यूड है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिव स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, ये इसका टाइप होगा। अगर टाइप पूछा हो तो टाइप या फिर इंटरप्रिटेशन। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।